हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। मजा आया। Hello guys, welcome back to my new video. In today's video, we will study about more about unstable equilibrium, which is chapter 11 of stability. So basically in this chapter, we will study about angle of load, some more information regarding angle of load. So let's see it. So इस paragraph में लिखा है कि जब भी meta center of gravity के नीचे आता है, तो उसे हम unstable vessel बोलते हैं. और इस सिचुएशन में अगर वेसल फर्दर हील करता है तो उसके कैप्साइज होने का ज्यादा चांसेस होता है। नाउ कमिंग टू एंगल ऑफ लोल, और इस पैराग्राफ में लिखा है कि वेसल जैसे जैसे हील करता है वैसे वैसे उसका जो KM है वो इंक्रीज करता रहता है, लेकिन वेसल का एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसके बाद अगर हीलिंग करता है तो वो KM डिक्रीज होता जाता है, और इसी KM के मूवमेंट की वजह से एक ऐसा मूवमेंट आता है कि KM की वैल्यू KG के इक्वल हो जाता है, और जिस एंगल ऑफ हील पे ये होता है उसे ही एंगल ऑफ लोल कहते हैं। सो बेसिकली एंगल ऑफ लोल जब भी ऑकर होता है उस टाइम पे वेसल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, और उस टाइम पे वेसल अपने टेंडेंसी को कैप्साइज होने के लिए या अपराइट होने के लिए अपने टेंडेंसी को लॉस कर देता है। लॉस कैसे करता है, लेट्स सी। इस पैराग्राफ में लिखा है कि अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर ये वेसल है और स्टारबोर्ड साइड में ये हील कर रहा है, तो वेव अगर इसके पोर्ट साइड से फोर्स एक्ट करता है तो वेसल फर्दर हील करेगा, लेकिन जैसे ही हील करेगा वेसल का जो कैप्साइजिंग मोमेंट है वो एक्ट करेगा और फिर से वेसल को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ला देगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस कि अगर इधर से वेव एक्ट करता है और वेसल को अपराइट करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे कैप्साइजिंग मोमेंट एक्ट करता है और फिर से वेसल को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ला देता है, विच मींस कि अगर अपराइट मोमेंट एक्ट करेगा तो वेसल का कैप्साइजिंग मोमेंट एक्ट करेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स कैप्साइजिंग मोमेंट एक्ट करेगा तो वेसल का अपराइट मोमेंट एक्ट करेगा, और इन्हीं सभी फोर्स के एक्शन के वजह से वेसल अपनी टेंडेंसी को लॉस कर देता है, जिसके वजह से वो अपने उस पोजीशन से मूव नहीं कर पाता है। सो पोजीशन ऑफ दिस वेसल इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इस पैराग्राफ में लिखा है कि ये सेफेस्ट कंडीशन नहीं होता है, ऑब्वियसली कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में शिप है तो वेसल सेफेस्ट कंडीशन में नहीं है। देयर मे बी चांसेस कि शिप कैप्साइज हो जाए एंड विच लीड्स टू सर्टेन डिजास्टर। सो इस टाइम पे जो भी एक्शन लेना होता है उसे हम बहुत ही प्रिकॉशन से लेते हैं। आई होप गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, और अगर इसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे बार बार रिपीट करके देखिए। सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ चैप्टर 11 ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट बिलो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।